ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ। ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਭਾਵਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਦਈਏ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਹੋਵੇ। ਬੁਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੋਵੇ। ਅਬ ਠੋਕੋ, ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੋ ਸੁਣਕਰ ਆਪਕੋ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਹਮ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਪਾਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ। सिद्धू अपनी सच्ची प्रेमिका पाकिस्तान पर उमड़ रहा प्यार कई बार जता चुके हैं। अब सिद्धू पाक प्रेम इतना सच्चा हो चुका है कि उनके प्यार को वो कभी जुदा नहीं होने देंगे। अभी हाल ही में पुलवामा हमले को लेकर सिद्धू का बयान सामने आया था जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू ने हमले की निंदा की थी, लेकिन अपने बयान में वह पाकिस्तान के प्रति नरम नजर आए थे। सिद्धू का यही बयान लोगों को पसंद नहीं आया और लोगों ने इस पर गुस्सा जताया है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के शहीद हुए 4 जवानों के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी मोगा में, जो अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद रहेंगे। मोगा में शहीद जयमल सिंह के अंतिम संस्कार के लिए नवजोत सिंह सिद्धू की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू शहीद जयमल सिंह के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे। सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह को कई बार नाराज कर चुके हैं। कैप्टन ने सिद्धू को पाकिस्तान स्थित करतारपुर जाने से मना किया था, तब सिद्धू ने उनकी बात नहीं मानी थी और पाकिस्तान चले गए थे। इस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराजगी जाहिर की थी। सिद्धू अपनी प्रेमिका पाक का प्रेम कई बार जता चुके हैं। पाकिस्तान के दौरे के बाद सिद्धू कई बार पाकिस्तान के गुण गा चुके हैं। सिद्धू ने कहा था कि पाकिस्तान में कहीं भी यात्रा कर लो, वहां ना तो भाषा बदलती है, ना ही खाना बदलता है और ना ही लोग बदलते हैं, जबकि दक्षिण भारत में जाने पर भाषा से लेकर खान पान तक सब कुछ बदल जाता है। आपको दक्षिण भारत में रहने के लिए अंग्रेजी या तेलुगु सीखनी पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा जरूरी नहीं है। सिद्धू के इस बयान के बाद काफी विवाद भी हुआ था। इससे पहले जब सिद्धू पाक पीएम इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान गए थे, तब सिद्धू आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से गले मिले थे। इस दौरान सिद्धू ने बाजवा और पाकिस्तान की जमकर तारीफ भी की थी। इस पर भी काफी विवाद हुआ था। बुलबुलों के पंखों में बंधे हुए कभी बाज नहीं रहते, बुजदिलों और कायरों के साथ कभी राज नहीं रहते। सर झुकाकर चलने की आदत पड़ जाए, सर झुकाकर चलने की आदत पड़ जाए जिस इंसान को, उस इंसान के सर पर कभी ताज नहीं रहते। एक बार फिर से ठोको। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।